वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर आपको बताएंगे मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन के बाद बिजली का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। लाहौर भर में भी बिजली मुअत्तल है। वहदत कॉलोनी, अल्लामा इकबाल टाउन में बिजली बंद है। गुलचेहरावी, समदाबाद टाउनशिप में भी बिजली मुअत्तल है। शादमान, मजंग, लोअर मॉल, गढ़ी शाहो, इस्लामपुरा में भी बिजली बंद है। हमारे साथ मौजूद है शाहसेब भट्टी और फहद भट्टी और शाहिद सिप्रा। सबसे पहले रुक करते हैं शाहिद सिप्रा का। शाहिद सिप्रा, आप बताइएगा, एक बड़ा ब्रेकडाउन है बिजली का जो कि ना सिर्फ मुल्क भर में भी है, लाहौर में सब ब्लैकआउट हो चुका है। मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि इस वक्त तारीकी में डूब चुके हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में आई है, इस हवाले से कोई डिटेक्शन भी हुई या नहीं? देखिए, बिल्कुल, ये बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जो है ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि ये मुल्क भर में हुआ है। और ज़राए की जानिब से जो बताया गया है कि गुद्दू पावर प्लांट के करीब 500 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो ना सिर्फ सूबा पंजाब बल्कि दिग्गज जो सूबा है उनको भी वो फीड करती है, तो उसमें ट्रिपिंग आई है। उस ट्रिपिंग की वजह से जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है वो डाउन हुई है, और फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बाद अल्टीमेटली जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो बंद हुए हैं और मुल्क भर में इस वक्त बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। अगर सिर्फ लेस्को की बात की जाए तो लेस्को को अभी इस हवाले से ना तो NTDC की जानिब से आगाह किया गया है और ना ही नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से किसी किस्म की कोई बात बताई जा रही है कब तक ये बिजली बहाल होगी। लेकिन माजी में इस तरह के जितने भी बिजली के ब्रेकडाउन हुए हैं तो उसमें 8 से 10 घंटे का वक्त दरकार हुआ है, जिसके बाद सिस्टम की फ्रिक्वेंसी जो है उसको मैच किया जाता है और बिजली बहाल होती है। क्योंकि इब्तदाई तौर पर पावर प्लांट्स को चलाया जाता है और 50 हर्ट्ज तक जो फ्रिक्वेंसी है इसको मेंटेन रखने के लिए तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको रोक दिया जाता है कि ग्रिड स्टेशंस को ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर NTDC का निज़ाम जो है वो भी खुद चलाती है। पहले 500 केवी की लाइन जो है उनको बहाल किया जाता है, उसके बाद 220 का सिस्टम आता है, उसके बाद डिस्कोस का जो हमारे लाहौर का सिस्टम है 132 का वो आएगा, और उसके बाद 11 KV जो फीडर्स हैं उनसे बिजली बहाली का काम शुरू होगा। अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है अभी तक यही पता चला है कि गुद्दू के करीब जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रिप होने की वजह से मुल्क भर में ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। तहम जो पावर डिवीजन की तर्जमान की जानिब से अभी तक स्टेटमेंट सामने आई है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बिजली के ब्रेकडाउन की वजूहत जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अचानक जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 से 0 हर्ट्ज तक पहुंची है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अच्छा शाहिद सिप्रा, ये बताएगा इस बिजली के निजाम को बहाल करने में कितना वक्त लग सकता है, इस हवाले से कुछ बताया जा रहा है? देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होगा वो आपकी NTDC का होगा, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, जिनकी ये ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ट्रिप हुई है, उनकी जानिब से कोई मौकफ अभी तक सामने नहीं आया। और दूसरा जो किरदार होगा वो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का होगा, जिनके पास जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से जो बिजली की पैदावार है और जो बिजली की जनरेशन है वो होगी, तो ये अभी तक दोनों की जानिब से कोई वाज़े मौकफ नहीं आया। और तीसरा ये है कि पावर डिवीजन जो इस दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको दोनों कंपनीज को देखती है उनकी जानिब से भी कोई वाज़े मौकफ सामने नहीं आया। लेकिन माजी की अगर बात की जाए तो माजी में जब आज से 2 से 3 साल कबल भी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था या उससे पहले भी जो दिन भर में बिजली का ब्रेकडाउन होते रहे हैं उनमें 8 से 10 घंटे का वक्त दरकार होता है। ये कहना कि 1 घंटे में या 2 घंटे में ये बिजली बहाल हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको सिस्टम पहले बताया है कि सबसे पहले पावर प्लांट्स को चलाना होगा, आपका त्रिबेला, मंगला और दीगर जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको चलाया जाएगा, उसके बाद 500 KV के जो सिस्टम है जिसके बारे में बताया गया है कि उसमें ट्रिपिंग वाकई हुई है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद 220 का सिस्टम जो है वो NTDC का होगा और 2220 का सर्किट जब बहाल होंगे तो डिस्कोस पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो 132 का केवी का सिस्टम है उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये उस वक्त में जो है उसको मुमकिन बनाया जा सकेगा जब आपकी जनरेशन वापस आएगी, जब जनरेशन वापस आएगी तो तमाम जो सिस्टम है उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी और तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है मामूल का ये वक्त दरकार होगा, उसके बाद बिजली बहाल जो है उसको मुमकिन तौर पर कोशिश की जाएगी कि बहाल हो सके। अच्छा शायद सिर्फ मुल्क भर में तो ब्रेकडाउन हुआ ही है, लाहौर में कितने ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, बत्ती गायब हो चुकी है, क्या लाहौर मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल है? इसमें लाहौर मुकम्मल तौर पर शामिल है क्योंकि लेस्को को जो फीड करता है वो आपका शेखुपुरा सर्किट जो है फीड करता है, और NTDC के अगर सर्किट किस बात की 220 है तो उसमें आपका बंद रोड है, इसके बाद वापडा टाउन, कोडलखपत है, गाजी रोड, रावी सर्किट शामिल हैं और शालामार सर्किट शामिल हैं। ये तमाम सर्किट जो हैं इस वक्त निकले हुए हैं, NTDC का कोई भी 220 का जो सिस्टम है वो अभी तक नहीं चल रहा,
और इन्हीं से लेस्को का जो 132 केवी का सिस्टम है वो ग्रिड स्टेशन यहाँ से निकलते हैं। शेखुपुरा क्योंकि 500 केवी की लाइन है वो इसको फीड करती है, तो वो ट्रिप हो चुकी है। तो उसके बाद 220 और 132 केवी का सिस्टम तो हमारा ट्रिप ही है। लाहौर का कोई एरिया जो है इस वक्त वहां पर बिजली नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब तक 500 केवी का सर्किट बहाल नहीं होगा उसके बाद 220 और 132 की बारी तो बहुत देर बाद आएगी, वो इस सूरत में आएगी जब आप जनरेशन वापस लेकर आएंगे। तो अभी तो हमारे तो सारे पावर प्लांट्स ही बंद पड़े हैं, तो जनरेशन वापस आने का पहले इंतजार होगा, उसके बाद सिस्टम को बहाल किया जाएगा। जी ठीक है, सिस्टम डाउन होने की वजह से बिजली जो कि मौतल हुई है, शायद सिप्रा मजीद बताएगा क्या इस हवाले से जो पावर डिवीजन की टीम्स हैं अभी तक मुतहरिक हो चुकी हैं कि दोबारा से बिजली को बहाल किया जा सके। देखिए उनकी जानिब से बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट अभी तक आई है पावर डिवीजन के जो तर्जमान उनकी जानिब से जारी की गई है कि हमारी जो सिस्टम है उसकी अचानक फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है और जो तरबेला और मंगला है पावर प्लांट्स उनको चलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किन वजूहात की वजह से ये ट्रिपिंग वाकई हुई है, ट्रांसमिशन लाइन क्यों ट्रिप की गई है, इस हवाले से किसी भी किस्म की आगाही जो है वो नहीं दी गई और मीडिया को इस बात पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि अभी उनकी स्टेटमेंट का इंतजार किया जाए। लेकिन ज़राए की जानब से बताया जा रहा है कि गुद्दू पावर प्लांट के करीब जो 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है उसमें अचानक जो ट्रिपिंग है वो आई है और फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बाद सिस्टम डाउन हुआ है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, 500 केवी का सिस्टम उस वक्त डाउन होता है जब आपके जो जितने भी ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज पे मेंटेन की जाए या 49.6 से डाउन होना शुरू हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर एक्टिव होता है। लेकिन जहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ गंभीर नजर आ रही है, अचानक सिस्टम का बैठ जाना, अगर जनरेशन कम हो तो फिर भी फ्रीक्वेंसी डाउन होने के मामला होते हैं कि आपकी तलब ज्यादा हो गई है लेकिन रसद कम हुई है, लेकिन जहाँ अचानक बैठा है और जब आहिस्ता आहिस्ता तलब रसद में फर्क आए तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो है वो लोड शेडिंग पे जाता है, वो डिस्को के ग्रिड बंद करना शुरू कर देता है, एनटीडीसी का सिस्टम है उसके जो सर्किट्स हैं वो निकालना शुरू करता है। लेकिन यहाँ अचानक जो सिस्टम का बैठ जाना इससे लग रहा है कि कोई बड़ा जो वाकया है वो रूनुमा हुआ है जिसकी वजह से ये बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हुई है। बड़ा वाकया रुनुमा हुआ है, शायद अदीब सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब। शाहजेब आप बताइएगा, आप मौजूद हैं लेस्को ऑफिस के बाहर, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुकम्मल ब्लैक आउट है, मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गया। जी बिल्कुल, पूरे लाहौर में ऐसा ब्लैकआउट हुआ है कि शहर के तमाम इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूब चुके हैं और लेस्को और वाबडा की जानिब से कोई वाजिया बयान सामने नहीं आ पा रहा, जबकि ये तमाम तर मामला जो है वो फनी खराबी के बायस पेश आया है कि तमाम तर आमदोरफ्त का सिलसिला और आम मामूली ज़िंदगी शहरियों की वो भी मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अलबत् जिन शहरियों को नहीं पता कि फ़नी खराबी के बायस 1-2 घंटे के अंदर बिजली तो नहीं आएगी बल्कि 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं, वो जो हैं वो लेस्को ऑफिस और तमाम तर हेल्पलाइंस पर कॉल भी कर रहे हैं कि उनकी बिजली चली गई है, लेकिन लेस्को की जानब से उनको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करने को कहा जा रहा है क्योंकि अभी भी लगता है कि जल्द जो है वो ये बिजली वापस नहीं आएगी, जिसकी वजह से तमाम तर इलाके लाहौर के मजंग खानेवाल बाटापुर तमाम तर इलाके जो हैं वो पूरे के पूरे अंधेरे में डूब चुके हैं। हत्ता के जो रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं वो भी जो है वो बंद हो चुकी हैं और आमदोरफ्त का सिलसिला भी बुरे तरीके से मुतासर हो चुका है, जबकि शहरियों के लिए ये हदायत जारी की गई हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें क्योंकि शहर में रोशनी तो है ही नहीं, खुदा ना खास्ता कोई बुरा हादसा अंधेरे के बायस पेश ना आ जाए। तमाम तर शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकली चीज़ जो है वो नहीं चल पा रही, अचानक से इतना बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो शहरियों को मुतासर कर रहा है। शाहजेब भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और टाउनशिप से हमारे साथ मौजूद है फाहद भट्टी। फाहद भट्टी बताएगा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है शहर भर में, तारीख में डूब चुके हैं मुख्तलिफ इलाके, यहाँ क्या सूरत हाल है जहाँ आप मौजूद हैं? टाउनशिप के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये इलाका भी पूरा तरीकी में डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, पूरा शहर इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। लाहौर शहर में बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है, फनी खराबी आने के बायस बिजली जो है वो ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली फराहम नहीं की जा रही,
लाहौरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से। और लेस्को की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि क्यों बिजली जो है वो मुअत्तल की गई है या ऐसा कब तक इसको जो है वो दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि गुतू के इलाके में जो पावर प्लांट है 500 केवी की जो तारें हैं वो ट्रिप होने के बायस जो शहर के बेशतर इलाके हैं और जो सूबे के जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पर बिजली की फ्राहमी जो है वो मुअत्तल हुई है और लाहौर शहर इस वक्त पूरे का पूरा तरीकी में अंधेरे में डूब चुका है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि मामूलाते ज़िंदगी जो है वो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बिजली ना होने के बायस शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है और उसके अलावा जो शहरी घरों पर मौजूद हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द बिजली को बहाल कर दिया जाएगा, मगर जिस तरह ये अचानक इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, लग नहीं रहा कि एक दो घंटे के अंदर इसको जल्दी जो है वो रिपेयर कर दिया जाएगा या जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। मगर मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि जल्द इस ब्रेकडाउन का हल निकाला जाए और बिजली की जो फ्राहमी है उसे यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है फाद, हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा, शायद नदीम सिप्रा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। शायद सिप्रा ये बताएगा कि एक तो स्मॉग है, ऊपर से बिजली का चले जाना, हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो जाएंगी, तो आवाम क्या करे, किस तरह से इस ब्रेकडाउन सिचुएशन को टैकल किया जाए? शाह सिप्रा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहजेब, उनसे यही सवाल करेंगे। शाहजेब आप बताएगा, एक तो स्मॉग के ऊपर से बिजली भी नहीं है, ट्रैफिक हादसा भी हो सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से, तो किस तरह से आवाम एहतियात करें, इस हवाले से क्या हिदायत जारी की जा रही है? शाहजेब अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि मुकम्मल ब्लैकआउट है, लाहौर तारीकी में डूबा हुआ है, ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा हो सकते हैं बिजली की मौतली और स्मॉग की वजह से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर जो है वो तारीखी में जो है वो डूब चुका है, लेकिन शहर भर में धुंध ने भी अपने डेरे जो है वो जमाना शुरू कर दिए और शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मजांग, शादमान, चुंगी, अमर सद्दू ये सब शामिल है, वहाँ पे हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर रह गई है और सड़क के ऊपर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाकया जो है वो रूनुमा ना हो जाए, क्योंकि रोड्स के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स, तो दूर की बात जो रोड्स के ऊपर लाइट्स लगाई गई है देखने के लिए, वहाँ पर भी बिजली मुयसर नहीं है, तो रोड्स पर भी पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो चुका है और शहरियों को ये हदायत जारी की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें ताकि कोई भी अफसोसनाक हादसा जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि सारा का सारा शहर जो है वो तरीकी में डूब चुका है। जो शहरी घर में बैठे हुए हैं उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लस्कों को भी बहुत सी हजारों की तादाद में कॉल्स मसूल हो रही है कि बिजली नहीं आ रही, तो लस्कों के पास भी कोई खास वाजिया जवाब नजर नहीं आता, अभी तक कोई भी खास वाजिया जवाब जो है वो लस्कों की जानिब से नहीं दिया गया, सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के बायस जो है वो तमाम तर शहर की बिजली को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मुल्क के दीगर शहर जो हैं वहाँ पे भी बिजली की यही सूरत हाल देखने में मिल रही है। अभी लाहौर जो है वो पूरा का पूरा धुंध और अंधेरे के अंदर डूब चुका है और शहर में कहीं भी लाइट जो है वो नज़र नहीं आती। जी ठीक है शाहजेब भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक मरतबा फिर से रुख करते हैं शाहिद नतीम सिप्रा, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा, तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से क्या तरतीब और बिजली के निज़ाम की बहाली के हवाले से अभी तक कोई अपडेट्स है जो कि मौसूल हुई है? देखिए अभी तक तो बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट उनकी जानिब से जारी की गई है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से मुल्क भर में इस वक्त बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है और टीमों को मुतहरिक किया गया है और इस बात को जांचने की कोशिश की जा रही है कि किस जगह पर टेक्निकल फॉल्ट आया है और उस फॉल्ट की वजह से जो सिस्टम है वो ट्रिप हुआ है। तहम जो जरा ने बताया है कि उनकी जानिब से यही बताया गया है कि गुद्दू के करीब जो 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ट्रिपिंग हुई और अचानक ट्रिपिंग के बाद मुल्क भर का जो सिस्टम है वो बैठ गया और इस वक्त बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। जो बुनियादी वजूहत होती हैं अगर सिस्टम की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी उस वक्त डाउन होती है जब तलब और रसद में फ़र्क हो, लेकिन क्योंकि मौसम सरमा है सार्फिन की जानिब से उस तरह बिजली इस्तेमाल नहीं की जा रही कि आप तलब और रसद का जो है फ़र्क उसमें वाजे हो,
तो इसमें लग रहा है कि कुछ ऐसा वाकया रुनुमा हुआ है जिसकी वजह से अचानक जो फ्रीक्वेंसी है डाउन होती है, लेकिन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अचानक भी डाउन नहीं होती। अगर तलब और असर फर्क हो तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू होती है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो मुल्क भर के सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है, तो वो अब सर्किट्स को निकालना शुरू करता है और लोड शेडिंग पर चला जाता है ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर ना तो NTDC और ना ही नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को कोई वक्त मिला है कि वो सिस्टम को बचा सके, और अल्टीमेटली ये हुआ कि 500 केवी का सिस्टम बैठने के बाद 220 NTDC का सिस्टम भी बैठ गया, और उसके बाद 132 केवी का लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनका सिस्टम भी बैठ गया, और इस वक्त लाहौर शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि चारों सूबे जो है इस वक्त जो है वो बिजली से महरूम है, जिस पर अब तर्जमान पावर डिवीजन की जानब से कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो फ्रीक्वेंसी डाउन होने के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है, तो हम टीमें मुतहरिक हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्द बिजली जो है बहाल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर माजी की जो माजी के ब्रेक डाउन हैं उनकी बात की जाए तो 8 से 10 घंटे का वक्त दरकार हुआ था, चूंकि पहले आपको जनरेशन वापस लानी है अपने सिस्टम की, जो आपके पावर प्लांट्स बंद हुए हैं वो वापस आएंगे, उसके बाद 500 केवी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन होगा किया जाएगा, 220 सिस्टम मेंटेन होगा, और उसके बाद 132 केवी और लास्ट में जो सार्फिन को 11 केवी फीडर से बिजली दी जाती है उसको चलाने की कोशिश की जाएगी। बाद जरा ये कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे का बाद दरकार होगा, लेकिन माजी में 18 से 20 घंटे तक भी ये ब्रेकडाउन होते रहे हैं और मुल्क भर में बिजली को बहाल करना जो है मुश्किल होता रहा है। लेकिन अब ये बात है पावर डिवीजन पर, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और NTDC की टीमों पर कि कब जो बिजली की बहाली है, कब सिस्टम में जनरेशन जो है वापस लाई जाती है और सार्फिन तक बिजली पहुंचाई जाती है। शायद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपको बता रहे हैं मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह से मुतासिर है, लाहौर भर में भी बिजली मुअत्तल है, वहदत कॉलोनी अल्लामा इकबाल टाउन में बिजली बंद हो चुकी है, गुलचन रावी समनाबाद टाउनशिप में भी बिजली मुअत्तल है, शादमान मजंग लोअर मॉल गढ़ी शाहो इस्लामपुरा में बिजली बंद है, जबकि पूरा का पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है। बड़ा ब्रेकडाउन आया है मुल्क भर में, बिजली का ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह से मुतासिर है, लाहौर भर में भी बिजली मुअत्तल है, जबकि वहदत कॉलोनी अल्लामा इकबाल टाउन में बिजली बंद है। एक बार फिर बात करेंगे शाहिद सिप्रा से, शाहिद सिप्रा बताएगा क्या अब तक हिदायत जारी की गई है, क्या बताया जा रहा है कि ये मामला कब तक सॉल्व कर लिया जाएगा, मसले की निशानदेही कब तक हो जाएगी और इस मसले से निकला जाएगा? इस पर तो आप लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला अफसरान से भी बात हुई है, उनको अभी तक किसी किस्म के जो सिस्टम की बहाली के हवाले से आगाह नहीं किया गया, और इवन जब आपकी पावर डिवीजन कह रही है कि अभी तक हमने फॉल्ट ही नहीं डिटेक्ट किया, सबसे पहले तो वो तकनीकी खराबी कहां पर पैदा हुई है और कितनी बड़ी जो वो फनी खराबी है जिसकी वजह से ये सिस्टम ट्रिप हुआ है उसको डिटेक्ट करना जरूरी है, जब वो सामने आएगी तो उसके बाद पता चलाया जा सकेगा कि कब बिजली बहाल होगी। इस पर जो आने वाले लेस्को चीफ हैं जिन्होंने अभी सोमवार के रोज अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, और चूंकि जुमा के रोज मुजाहिद परवेज चट्ठा जो अब एक्स लेस्को चीफ हो चुके हैं वो जा चुके, तो उनसे भी हमारी बात हुई है, चौधरी अमीन की जानिब से भी यही बताया गया है कि अभी तक उनको किसी सिस्टम की बहाली के हवाले से या कब जो है उनका ग्रिड स्टेशन जो है उनको ऑपरेशनल किया जाएगा किसी किस्म की आगाही नहीं दी गई। जिस तरह मैंने आपको बताया चूंकि मुल्क भर में बिजली की का जो ब्रेक डाउन हुआ है, इस पर अब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, पावर डिवीजन और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को पहले काम करना है, पहले जनरेशन जो है उसको वापस लाना होगा, उसके बाद सिस्टम बहाली का काम शुरू होगा। अब ये चंद घंटों की बात नहीं रही, अब ये 8 से 10 घंटे का वक्त दरकार होगा या इससे भी शायद ज्यादा वक्त हो कि वो फॉल्ट किस किस्म का है, पावर स्टेशन जो है उनको कब चलाया जाता है, कब सिस्टम में बिजली वापस लाई जाती है, और उसके बाद देखा जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को बहाल किया जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना 50 हर्ट्ज तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये उस वक्त होगा जब आपका नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर NTDC एक पेज पर आएंगे, NTDC के लाइंस बहाल होंगी, जनरेशन वापस आएगी, उसके बाद ये तमाम सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए जो बाहर यही लग रहा है कि 8 से 10 घंटे तक आप जो सार्फिन है वो बिजली से महरूम होंगे और कल दिन के औकात में कहीं जाकर जो है बिजली बहाल होगी। शाहिद सिप्रा इस हवाले से मजीद बताएगा कि माजी में भी इस तरह का ब्लैकआउट होता रहा है, ना सिर्फ शहर भर में बल्कि मुल्क भर में भी, तो क्या नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से ऐसी कोई हिकमत अमली और ऐसी कोई जिद्दत नहीं अपनाई जा सकी कि इस ब्लैकआउट से बचा जा सके?
कहते हैं बड़ा आसान सा फार्मूला होता है और बड़ी आसान सी हिकमत अमली जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से अपनाई जाती है, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं आपको 500 केवी सिस्टम भी और 220 केवी सिस्टम भी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की डाउन होना शुरू होती है तो वो लोड शेडिंग पर चले जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बिजली को बंद करना शुरू करते हैं ताकि सिस्टम को बहाल रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह के हालात नजर आए हैं कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के हाथ में ही कुछ नहीं रहा, अचानक जो है वो फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है। अचानक फ्रीक्वेंसी का डाउन होने से लगता है कि आपकी जो मेन लाइन है उसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट वाकई हुआ है जिसकी वजह से आप जहाँ से जनरेशन आ रही है और जहाँ से आगे आप सप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से वो रिवर्सिंग हुई और रिवर्सिंग की वजह से सिस्टम बैठ गया। 50 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता 49.987 और 6 तक जो रहती है, इस दौरान नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर एक्टिव होता है और पहले 500 केवी का सिस्टम खींचता है, उसको अगर उस पर भी ना सिस्टम चले तो 220 और अल्टीमेटली जो डिस्को का 132 केवी का सिस्टम है वो भी अपने कंट्रोल में वो ले लेते हैं, उनके ग्रिड स्टेशन को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज का जो ब्रेक डाउन है इसमें सूरत हाल कुछ और नजर आ रही है, उनको वक्त ही नहीं मिला नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को सिस्टम मेंटेन करने का वक्त जो है वो भी नहीं मिला, उनको मोहलत ही नहीं मिली कि वो इस तरह करके लोड शेडिंग पर चले जाएं या अपने सिस्टम को बहाल करने की कोशिश करें। जिस तरह तर्जमान पावर डिवीजन की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है कि 50 से 0 तक फ्रीक्वेंसी आई, इसका क्या मतलब है कि अचानक ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन हुई और तमाम पावर प्लांट्स भी बैठ गए और जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, शायद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं टाउनशिप में फहद भट्टी, उनसे भी बात करेंगे। फहद भट्टी आप बताएगा टाउनशिप में मौजूद हैं, टाउनशिप में तो रातों रात गहमा गहमी नजर आती है आम दिनों में, आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गहमा गहमी नजर आती है मगर बिजली मुअत्तल होने के बायस और दूसरा धुंध ज्यादा होने के बायस यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, चारों अतराफ ही बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो धुंध बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो है वो अचानक इस तरह से बिजली का चले जाना ये शहरियों के लिए तशवीशनाक का भी अमल है और उसके अलावा जो बिजली मुअत्तल हुई है उसकी वजह से शहरी खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। टाउनशिप मेन बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कोई भी शहरी हमें बाहर निकलता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा और दूसरा चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक से बिजली का चले जाना शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन रहा है। शहरियों का कहना है कि एक तो सफ़र करने में भी मुश्किल का सामना है और दूसरा घरों में रहना भी उनके लिए इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो रहा है क्योंकि अचानक से ये जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है पूरे शहर की जो बिजली है वो मुअत्तल हो चुकी है। पूरा शहर इस वक्त जो है वो बिल्कुल अंधेरे में डूब चुका है, ना सिर्फ टाउनशिप बल्कि पूरा शहर और मुल्क के बेशतर ऐसे इलाके जो इस वक्त अंधेरे में डूब चुके हैं उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात तो ज़रूर पेश आ रही हैं और साथ ही साथ ये अपील भी कर रहे हैं कि पता नहीं कब तक ये जो ब्रेकडाउन है इसे ठीक किया जाएगा। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि गुड्डू के इलाके में जो है वो 500 केवी की तारों में जो है वो कोई फनी खराबी आने के बायस अचानक से इस तरह ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का और जिसकी वजह से बिजली जो है वो मुअत्तल की गई है शहर भर की। लाहौर शहर में भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर भी जो वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है, सफ़र करने से गुरेज करें ये हिदायत की जा रही हैं। दूसरा के जो बाहर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, ये जो सड़कों पर लाइट्स लगाई जाती हैं वो भी मुकम्मल होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है सफर करने में। तो अपील की जा रही है शहरियों से कि जल्द अज जल्द इसको बहाल किया जाए। गहमी भी अब नजर नहीं आ रही है, एक तो धुंध है ऊपर से मुकम्मल ब्लैकआउट है। जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शाज़ेब, उनसे भी बात करेंगे। शाज़ेब आप बताएगा आप जहां मौजूद हैं वहां की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हालात दरपेश आ रही होंगी। जी बिल्कुल, अंधेरा जो है वो पूरे लाहौर पे
छा चुका है। अचानक से ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद जो है वो शहरियों को भी पूरे तरीके से परेशानी में मुबतला कर गया है। इस वक्त लाहौर के ऊपर सिर्फ अंधेरे का राज नहीं बल्कि धुंध का भी राज है। धुंध ने भी अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए और हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जिसकी वजह से आमदो रफ्त का सिलसिला भी पूरे तरीके से मुतासर हो चुका है। जबकि रेस्क्यू की जानिब से शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और दौरान सफर जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स और रोड के ऊपर जो लाइट्स लगाई गई हैं वहां पे तो बिजली है नहीं। पूरे का पूरा लाहौर जो है वो ब्लैकआउट के अंदर छा चुका है। शहर का कोई भी इलाका हो, चाहे वो मजंग का इलाका है या मनावा का, बंद रोड से लेके रायविंड तक तमाम। बहुत शुक्रिया लेस्को ऑफिस से शाहजेब, हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे थे। मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है और टाउनशिप से हमें फात भट्टी अपडेट करे थे। आपको बताएं कि ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि शहर भर में सूरत हाल ये है कि बिजली मुकम्मल तौर